सो गाइस इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ सर्विसेज टीम की फुल स्क्वाड जो 68 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021 में रहने वाली है। तो गाइस वीडियो नाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आप में से बहुत सारे जन को पता चली होगा कि यहाँ पे जो AKFI है, अमेरिकन कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है 68 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप और वो खेला जाएगा अयोध्या यानी कि उत्तर प्रदेश में खेला जाएगा, जो अप्रैल के मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों टीम्स की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे मैं आपको प्रेडिक्टेड टीम्स बताऊंगा। ये टीम्स तो 99% रहने वाली है, और भी प्लेयर्स एड हो सकते हैं, लेकिन जो जो प्लेयर्स के मैं नाम लेने वाला हूँ वो प्लेयर्स कंफर्म है कि उसी टीम से खेलेगी। दोस्तों जो प्लेयर जिस स्टेट के होते हैं उसी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे इस टूर्नामेंट में। तो गाइस यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर्विसेज टीम के स्क्वाड की जो मेंस रहने वाली है सीनियर मेंस। तो गाइस यहाँ पे कैप्टन में सबसे पहले आते हैं रोहित कुमार। दोस्तों रोहित कुमार कैप्टन, ऑफकोर्स कैप्टन ही रहेगी दोस्तों, बहुत अच्छे रीडर है, साथ ही साथ कैप्टन है। तो पहले प्लेयर में नाम निकल के आता है रोहित कुमार का। दोस्तों वहीं बात की जाए दूसरे प्लेयर की तो गाइस दूसरे प्लेयर में नाम निकल के आता है नवीन कुमार का। दोस्तों नवीन कुमार भी एक बहुत ही अच्छे रीडर है। और यहाँ पे तीसरे प्लेयर की बात की जाए तो गाइस तीसरे प्लेयर में नाम निकल के आता है नितिन तोमर का। दोस्तों नितिन तोमर भी एक बहुत ही अच्छे रीडर है एंड 68 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में सर्विसेज टीम की तरफ से खेलेंगे। और वहीं बात की जाए चौथे प्लेयर की तो चौथे प्लेयर में नाम निकल के आता है सुरजीत सिंह का। दोस्तों सुरजीत सिंह बहुत ही अच्छे डिफेंडर है। और वहीं बात की जाए पांचवे प्लेयर की तो पांचवे प्लेयर में नाम निकल के आता है नितेश कुमार का। दोस्तों नितेश कुमार भी डिफेंडर है जो बहुत ही अच्छे प्लेयर है। एंड यहाँ पे बात की जाए छठवें प्लेयर की तो छठवें प्लेयर में नाम निकल के आता है संदीप कंडोला का। दोस्तों संदीप कंडोला को तो आप में से बहुत सारे जन जानते होंगे, प्रो कबड्डी सीजन 1 सीजन 2 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और बहुत ही अच्छे डिफेंडर है गाइस। वहीं बात की जाए सातवें प्लेयर की तो सातवें प्लेयर में नाम निकल के आता है महेंद्र सिंह का। दोस्तों महेंद्र सिंह भी एक बहुत अच्छे डिफेंडर है एंड नेक्स्ट सीजन भी सर्विसेज टीम की तरफ से खेलेंगे। एंड अगली प्लेयर की बात की जाए यानी कि आठवें प्लेयर की बात करें तो आठवें प्लेयर में नाम निकल के आता है सौरभ गुलिया का। दोस्तों सौरभ गुलिया भी एक बहुत अच्छे प्लेयर है। एंड देन इसके बाद नाम निकल के आता है सोमवीर का, सचिन नरवाल का एंड अजीत का। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिया फुल स्क्वाड, एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। कैप्टन में आते हैं रोहित कुमार, नवीन कुमार, नितिन तोमर, सुरजीत सिंह, नितेश कुमार, संदीप कंडोला, महेंद्र सिंह, सौरभ गुलिया, सोमवीर, सचिन नरवाल एंड अजीत। दोस्तों ये मेरे हिसाब से सर्विसेज टीम की स्क्वाड रहने वाली है जो प्रो 68 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में होगी। आपको क्या लगता है कौन कौन से नए प्लेयर्स और हेड हो गए और नए नए प्लेयर्स इस टीम में आने वाले गाइस, कौन कौन से नए प्लेयर्स आने वाले आप कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस फिलहाल बस इस शो में इतना ही, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना ताकि नई वीडियो जब भी डालो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन स्क्रीन पे आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।